नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, दरबारों की श्रृंखला में आज हम एक ऐसे दरबार का परिचय आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जहां श्री हनुमान जी विराजते हैं और भक्त के संत श्री विनोद जी महाराज जो बाबा की सेवा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि तकरीबन 22-23 साल से दिल्ली के द्वारका स्थित एक कॉलोनी के अंदर मंदिर है जहाँ पर बाबा जी निरंतर सेवा संत श्रीमान विनोद कुमार जी कर रहे हैं और पूर्ण रूप से संत हैं। यानी ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार कुछ लोगों से हमारा परिचय हुआ, बात की थी, जहाँ से ये आती है कि हम ये भी काम करते हैं और गणित का ज्ञान भी आते हैं, लेकिन ये तो बाबा के मंदिर में ही रहते हैं और बाबा की उपासना भी करते हैं। तो आइए चलते हैं फोन लाइन पर। हमारे साथ दिल्ली द्वारका स्थित हनुमान जी के मंदिर से जुड़ रहे हैं सीधे श्रीमान संत श्री विनोद कुमार जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री बालाजी महाराज। जी जी बोलिए विनोद जी। जी मैं संत श्री विनोद जी महाराज, श्री बालाजी सिद्धपीठ मंदिर द्वारका मोड़ नई दिल्ली से। यह मंदिर एक कॉलोनी में स्थित है जो कि बिपिन गार्डन एक्सटेंशन के नाम से कॉलोनी जानी जाती है और द्वारका मोड़ से लगभग 1 किलोमीटर अंदर है कॉलोनी में। जी। तो यहाँ पर श्री बालाजी महाराज जी के साथ में श्री भैरव जी, श्री बेतरा सरकार विराजमान है। इस दरबार में इन तीनों ही देवताओं की पूर्ण प्रधानता है जिस कारण से आए सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। आप ये कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? लगभग 22 से 23 वर्ष हो गए हैं। मतलब भक्ति, साधना, तप और लोगों का उपचार। जी, भक्ति तो काफी मैं बालपन से करता चला आ रहा हूँ, लेकिन हनुमान जी की कृपा जो है लगभग 23 वर्ष पूर्व हुई थी। अच्छा, वो आपको ये एहसास हो गया था, एक तरह मैं कहूँ कि इजाजत मिल गई थी आपको। जी, मेरे को हनुमान जी महाराज सपने में दिखाई देते थे बालपन से, और सपने में दिखाई दिए और हनुमान जी महाराज जी ने ही मुझे गाइड किया कि आप इस प्रकार से करें, ऐसे करें, और फिर हम उसी प्रकार से करते रहे, फिर हनुमान जी की पूर्णतः कृपा हुई। महाराज जी, आप प्रॉपरली कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं? प्रॉपरली तो अभी तो फिलहाल मैं दिल्ली में ही हूँ और गांव जो है जिला औरैया में पड़ता है। मतलब ये हो गया आपका यूपी? हाँ जी, यूपी औरैया जिला। उत्तर प्रदेश से हैं आप और यहाँ पर दिल्ली में आप तकरीबन 22-23 साल से हैं। इस मंदिर की स्थापना से ही आप जुड़े हैं? जी जी जी, स्थापना से ही जुड़े हुए हैं। इससे पूर्व भी भक्तों की समस्याओं का समाधान करते थे। हनुमान जी की कृपा हुई और हनुमान जी की कृपा से भूमि और उपरांत में निर्माण, हनुमान जी की कृपा से फिर अब मंदिर पर ही रह रहे हैं। आप वहीं पे निवास कर रहे हैं, वहीं पे पूजा पाठ कर रहे हैं, वहीं पे भक्तों का समाधान कर रहे हैं और आप कथावाचक भी हैं। जी, तो आप जब कथावाचक की भूमिका में रहते हैं उस वक्त मंदिर की सेवा जो जो है वो फिर और भक्तों की उस वक्त भक्तों की के जो उनके कष्ट निवारण का जो कार्यक्रम है वो फिर कैसे? जिस समय कथा में होते तो उस वक्त जो है मंदिर की यानी बालाजी महाराज की जो पूजा सेवा जो भी है वो जो शिष्य लोग हमारे वो लोग करते हैं नियमानुसार। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका यहाँ पर कोई नियम है कि भाई इस दिन ही भक्तों की समस्या का समाधान होता है या कोई भी? जी, मंगलवार शनिवार हम लोग निःशुल्क सेवा करते हैं गद्य पर, जिसके लिए हम लोग जो है रजिस्टर 5 बजे से 6 बजे तक ओपन रखते हैं। जिस भी भक्त के पास कोई समस्या होती है तो उस रजिस्टर में उसको नाम, अपना पता, फोन नंबर और उम्र, उसके साथ व्यवसाय, ये 5 चीजें दर्ज करानी होती है। और आरती के उपरांत में 10 मिनट का सत्संग होता है और उसके बाद फिर भक्तों का नंबर बुलाया जाता है, उसका समाधान किया जाता है। मतलब उस रजिस्टर में जितने नाम दर्ज हो जाते हैं आप उनका करते हैं फिर? हाँ जी, उनका करते हैं। ये जो है कितने समय तक का करीब चल जाता है आपका ये कार्यक्रम, भक्तों की समस्या समाधान का बोल रहा हूँ मैं?
समस्या हम लोग दरअसल क्या है कि गद्दी पे हनुमान जी महाराज जी के साथ साथ भैरव जी प्रेतराज सरकार विराजमान होती तो भक्तों की समस्या तत्काल समाधान होते हैं और हम लोग अधिक से अधिक भक्त को 2 से 3 मिनट तक का संग देते हैं। किस तरह की बाधाएं जैसे ऊपरी हवाएं तंत्र मंत्र या किस तरह का एक होता है ना कि हमारे यहाँ इस तरह की समस्या का समाधान बिल्कुल अच्छे से हो। हाँ जी हेलो जी हाँ लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैं ये कह रहा था कि आपके यहाँ जैसे एक स्पेशलिटी होती होगी जैसे कि होता है कि भाई हाँ यहाँ पर ये चीजें एकदम 100% समाधित होती है तो जैसे कि सारी दुनिया जानती है हनुमान जी महाराज भूत प्रेतों के जो है महान नायक हैं और स्पेशलिस्ट हैं तो दरबार में भी तो दरबार में तो सभी प्रकार के भक्त आते हैं, निसंतान भी आते हैं, समस्याओं को लेके आते हैं और नौकरी कारोबार के लिए भी आते हैं, भूत प्रेत बाधाओं से समाधान पाने के लिए भी आते हैं, सभी प्रकार के भक्त आते हैं। लेकिन जो आपने जैसा एक बात कही कि भूत प्रेत वाली जो समस्याएं हैं वहाँ पर हनुमान जी की जो एक विशेष स्पेशलिस्टी है उसके साथ प्रेतराज सरकार भी आप बोल रहे हैं कि वहाँ पर विराजित हैं तो क्या इन समस्याओं का समाधान आपके यहाँ समूल हो जाता है? कोई प्रक्रियाएं होती है बाद में भक्त को बराबर आना पड़ता है? हाँ हाजिरी लगानी पड़ती है। हाजिरी लगानी? जी जी हाजिरी लगानी पड़ती है। यदि आप गद्दी पर अगर आपको 5 या 6 या 11 हाजिरी बताए तो आपको फिर मंगल के दिन जो है आपको आरती में सम्मिलित होना है और छोटी छोटी सी क्रियाएं जैसे घी का दीपक जलाना, हनुमान चालीसा की पुस्तक का पाठ करना और मंत्रों का जाप करना, इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं तो वो करना पड़ता है भक्तों को जिससे समाधान मिल जाता है। और इसमें क्या होता है कि क्या सवारी भी आप वहां पर बुला करके उनसे बात कर लेते हैं या वैसे ही समस्या का समाधान करते हैं? सवारी तो दरअसल क्या हनुमान जी का सिद्धपीठ दरबार है, ये यहाँ पे बिना हनुमान जी की मर्जी तो सवारी प्रवेश कर ही नहीं सकती है। बहुत बड़ी बात है। फिर हनुमान जी की अगर इच्छा है तो प्रवेश होती है उस व्यक्ति के ऊपर जिसके पास समस्या है और फिर उसका समाधान करते हैं। अक्सर सवारियाँ आती हैं जो आती है। जी जो समस्याओं को लेकर आते सवारियाँ भी आती हैं मंगलवार शनिवार के दिन। तो महाराज जी ये बताइए कि जैसे फर्स्ट आपके यहाँ किसी ने बात की, किसी ने अपनी समस्या बताई, सवारी आई, आपने उपाय बताया और आपने अपनी प्रक्रियाएं बता दी भाई 5 प्रक्रिया 7 प्रक्रिया 10 प्रक्रिया जो भी है, जिसकी जितनी बड़ी समस्या उतनी ज्यादा उसकी प्रक्रियाएं हो सकती है, यही बात है ना? तो उसमें उसको क्या पहले दिन से ही कुछ ना कुछ राहत मिलनी महसूस हो जाती है कि सिर्फ मंदिर के प्रांगण तक ही उसको सुकून रहता है, उसके बाद में फिर उसे तकलीफ हो जाती है? अगर कोई भूत प्रेत बाधा से परेशान कोई व्यक्ति है, भूत प्रेत बाधा से कोई परेशान है और दरबार में आता है और पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में नियम करता है तो उसकी जो समस्या होती है वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। कभी कभी होता क्या कि जो भूत प्रेत जो बाधाएं होती हैं काफी पुरानी होती हैं जो घर कर जाती है तो जल्दी से हटने का नाम नहीं लेती और हट जाती है फिर से दोबारा से आ जाती है। तो इस उसमें जो है इस प्रक्रिया में हम लोग उनसे जाप करवाते हैं। अच्छा अच्छा मंत्रों का जाप करवाते हैं और मंत्र जाप करने के लिए हम घर पे भी बोलते हैं कि आप बैठकर अपने घर पर मंत्र का जाप करो, जैसे 2 माला सुबह 2 पहर शाम और भगवान का भजन करो। ये हाँ ये मुख्य क्रियाएं हैं हनुमान जी यानी दरबार की, मंत्र का जाप और भजन। अच्छा हाँ जी हम लोग पहले ही यानी जो जैसे मैंने बताया कि आरती के बाद हम लोग 10 मिनट का सत्संग देते हैं तो सत्संग में ही बता देते हैं कि अगर आप दरबार के नियम कर सके तो ही आप आए नहीं तो हमारे पास में ना आए। जैसे दरबार के मुख्य जो नियम होते हैं वो मंत्रों का जाप और भगवान का भजन। बहुत बड़ी बात है ये तो। चलो ये तो आध्यात्मिक रूप से भी आवश्यक है, मन को मजबूती के लिए भी आवश्यक है। मेरा एक सवाल ये है, आपने कहा कि 2 दिन हम निशुल्क रखते हैं जी, तो बाकी के 5 दिन में शुल्क कितना होता है? क्या आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति है उसको कोई ज्यादा बोझ नहीं पड़ता या उसके लिए बोझिल वाली बात हो जाती है? देखो जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है उनके लिए हमने 2 दिन रखा हुआ है, मंगलवार शनिवार गद्दी निशुल्क। अच्छा उसके लिए आपने? हाँ हाँ बाकी भक्तों की ही
कहने पर हमने जो भक्त बहुत सारे भक्त लोग कहते हैं कि हमारे लिए भी कुछ अलग से होना चाहिए जो है, तो उसके लिए हमने ट्रस्ट की पर्ची काटते हैं हम लोग 1100 रुपए की। अच्छा हाँ जी, ट्रस्ट की पर्ची काट के देते हैं उनको 1100 रुपए की, और फिर उनको हम समय देते 15 मिनट तक का। अच्छा हाँ, उसके लिए उस रजिस्ट्रेशन के लिए समस्या वाले भक्त को 24 घंटे पहले संपर्क करना होता है, फिर आपको उस व्यक्ति को टाइम दिया जाता है। नहीं, उसकी फिर प्रक्रियाएं क्या होती है, फिर प्रक्रियाओं में और पर्ची कटेगी या एक बार आपने पर्ची काट दी वही पर्याप्त हो गई? नहीं, प्रक्रिया जैसे कोई भक्त आता है एक बार मुलाकात करेगा तो एक बार, दूसरी बार करेगा तो फिर उसको भी फिर से 1100 की पर्ची कटवानी पड़ेगी। जैसे किसी की 5 प्रक्रिया आपने बताई या 8 बताई, तो उसको जितनी बार आएगा 1100 की पर्ची उसको काटनी पड़ेगी। और जितना आपने, ऐसा नहीं है, हम पहले स्पष्ट कहते हैं कि आप पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, आप निशुल्क सेवा में ही आए, चाहे आपके पास आप लखपति हो या करोड़पति हो या रंगपति हो, कैसे भी हो, आपको गद्दी पर ही आना पड़ेगा। और किसी कारणवश आपके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, आपके पास समय नहीं है, तो उस अवस्था में आपके लिए हमने एक ये प्रावधान रखा है कि आप 1100 रुपए की पर्ची कटवा कर आपको 15 मिनट तक का समय दे सकते हैं। नियम सभी के लिए बराबर होता है, चाहे गद्दी पे आओ या बिना गद्दी के आओ। नहीं, मैं कह रहा हूँ निशुल्क के लिए तो आपने 2 दिन अपने रख ही दिए, वो तो कोई बात ही नहीं है। जो जिनका आर्थिक पक्ष कमजोर है, जो मध्यम वर्ग के हैं, चलो उनके लिए तो आपने, अब निशुल्क वाले के भी अगर 2 प्रक्रिया है 4 प्रक्रिया है तो वो शनिवार और मंगलवार को आकर के निशुल्क कर सकता है जी, उसकी प्रक्रियाएं वहां हो सकती है। लेकिन जिनको जिनको आर्थिक रूप से जिन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो 1100 रुपए की फर्स्ट पर्ची कटाते हैं और उसमें आप उनको देखते हैं, सुनते हैं, फिर उनकी समस्या को जानने के बाद में भी हो सकता है आपको लगे कि इनको 2 बार आना है, 4 बार आना है, 5 बार आना है, तो मेरा सवाल ये है कि फिर वो बंदा फिर जब वापस आएगा तो क्या उसको 1100 की पर्ची फिर कटानी पड़ेगी ना? उसको दोबारा हमसे मिलने की जरूरत नहीं होती है, हम पहले ही बोल देते हैं कि दोबारा आपको आने की आवश्यकता नहीं है, आप जब भी आप आएंगे गद्दी पर ही आएंगे और आगे आपको जो भी है हाजिरी ही लगानी है दरबार में। अच्छा, फिर हाजिरी ही लगानी है, फिर उसका पैसा हाँ, नहीं है, पैसा नहीं है, मुलाकात करने का ये शुल्क है। पहली बार आप अपनी जानकारी, आप अपनी समस्या बताएंगे तो उसका ये शुल्क है, और शनिवार और मंगलवार के दिन जो निशुल्क हैं उनको उनका कोई शुल्क नहीं है, उनसे भी बात होगी लेकिन उनको 1 मिनट 2 मिनट की उनकी बात होगी, लेकिन उनका शुल्क कुछ नहीं लगेगा। इसमें भी ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि आप हमसे आके मिलेंगे तभी आप गद्दी पर आइए, हम पहले ही बोल देते हैं सत्संग में कि आप गद्दी पर ही आइए, गद्दी के अलावा आप हमसे मुलाकात ना कीजिए। अच्छा, समस्या का समाधान हनुमान जी अलावा आप मिल रहे हैं उसका शुल्क है, गद्दी में मिलने का शुल्क नहीं है, कोई शुल्क नहीं गद्दी पे मिलेगा, कोई मिले उसमें कोई शुल्क नहीं है। हाँ, उसका वो सभी के लिए रजिस्टर ओपन रखा जाता है। और मंगलवार शनिवार तो बताया, वो सप्ताह के 5 दिन भी फिर क्या ओपन है ये? नहीं, वो सप्ताह के 5 दिन रजिस्ट्रेशन ओपन है। हाँ, रजिस्ट्रेशन ओपन है, और उसमें फिर जो काम होगा वो मंगलवार शनिवार के दिन ही होगा? नहीं, अब रजिस्टर ओपन है, आप दरबार में प्रतिदिन आप आइए, आरती में सम्मिलित होइए। हनुमान जी की यहाँ अद्भुत कृपा है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप कोई भी भक्त मेरे से आकर ही मिले तभी उसका समाधान होगा, ऐसा कुछ कहीं नहीं है, ना ही हम कभी बोलते हैं सत्संग में या कहीं पर भी। भक्तों को केवल एक ही बात बोलते हैं कि आप आरती में आइए, नियम कीजिए, आप बराबर नियम करते हैं, आप जैसी भी समस्या है, भूत प्रेत बाधा या अन्य जो भी समस्या है उसका समाधान होगा। तंत्र मंत्र का भी होता है महाराज जी? तंत्र मंत्र की, अगर किसी के ऊपर तंत्र मंत्र है, कोई जादू टोना तंत्र मंत्र आदि भूत प्रेत बाधा, तो उसकी मैं 100 नहीं 200% गारंटी लूंगा मैं हनुमान जी की ओर से। हाँ, हनुमान जी की ओर से। और तंत्र मंत्र वाला यहाँ कोई काम नहीं है बिल्कुल भी, ना हम लोग ऐसी कोई शिक्षा देते हैं। आप नहीं करते, लेकिन अगर किसी के ऊपर हुआ हुआ है, किसी ने कर रखा है, उसको अगर समाधान चाहिए तो उसका समाधान आपके पास है यहाँ पे? हाँ, 100% गारंटी, 100-200% बिल्कुल। ये बड़ी बात है। दिल्ली में द्वारका में महाराज जी ने बताया, कौन सी कॉलोनी बताई महाराज जी? दिल्ली द्वारका मोड़ से लगभग 1 किलोमीटर अंदर है, विपिन गार्डन एक्सटेंशन, 55 फुट रोड जी, द्वारका मोड़।
ये इस नाम से कॉलोनी है, और यहाँ पे श्री बालाजी शक्तिपीठ मंदिर के नाम से स्थान विख्यात है, जहाँ पर दक्षिण मुखी हनुमान जी के साथ साथ श्री भैरव जी एवं श्री प्रेतरा सरकार विराजमान है, जिस कारण से सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। जो नियम मेहंदीपुर बालाजी जाने से, जो नियम जो समस्याएं हम मेहंदीपुर बालाजी जाकर समस्याओं का समाधान कराते हैं, वो दरबार में आने से ऐसी समस्याएं समाप्त हो जाती है। बहुत बड़ी बात है, दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली और द्वारका, और बता दिया महाराज जी ने पूरा एड्रेस अच्छे से बता दिया है। कोई खास संदेश देना चाहेंगे? संदेश में यही है कि मैं सभी श्रद्धालुओं से एक ही बात कहूंगा कि कृपया तीन तंत्र मंत्र से बचें, ना ही इन झंझटों में पड़े, सीधे सीधे भगवान की भक्ति करें, भगवान का चिंतन करें, और अपने घर पर ही बैठकर हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, राम स्तुति जी का पाठ करें, उससे भी आपकी समस्या का समाधान होगा। जी जी, अगर आप इतना नियम करते हैं, कोई भी भक्त इतना नियम अगर निरंतर करते हैं, तो उसके लिए भी मैं पूरी 100-200% गारंटी लूंगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि भगवान के यहाँ देर हो सकती मगर अंधेर नहीं हो सकती। बहुत बड़ी बात महाराज जी, आपका नंबर हम दे दें ताकि कोई किसी को संपर्क करना हो, तो कोई जिज्ञासा हो, कोई चीज पूछनी हो, तो आपसे पूछ सकता है। जी, मैं आपको एक जो ट्रस्टियों का जो नंबर है, मैं आपको नंबर अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ, आपको वो नंबर। जी, वही नंबर मैं आपको पब्लिक के लिए दे दूंगा। भक्त जो है वो अपनी जिज्ञासा, अपना सवाल पूछ करके, पूरा कोई जानकारी हो, जिज्ञासा हो, पूछ करके वो दरबार में हाजिरी दे सकते हैं। हमसे जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, और आपने अपनी जो है अपनी बात खुल करके रखी। मुझे विश्वास है दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोगों के लिए विशेष रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी, और हनुमान जी का दरबार, प्रेतराज सरकार के साथ में उपस्थिति, तो ये बिल्कुल ये लगता ही है कि सभी समस्याओं का समाधान होने की पूरी पूरी संभावना बन जाती है जब दो महाशक्तियां साथ में होती है। तो महाराज जी बहुत बहुत आभार, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी महाराज, जय प्रेतराज सरकार, सबको प्रणाम करते हैं। जय जय।